अनम्यूट बेटे बोलिए, विच क्वेश्चन हैव यू सॉल्व? Which question have you solved? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो जी बोलिए. 215. ओके, 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट? व्हाट्स द आंसर? व्हाट्स द क्वेश्चन एंड व्हाट्स द रिमाइंडर? डिविजन इट. डिविजन क्या? डिविजन इट बेटे, क्या कह रहे हो आप? डिविजन करना है, डिविजन करना है बेटा. तो ये किस, ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ना, ये डिविजन का ही साइन है ना. मैंने बताया था कि ऐसे अगर आपको शो हो रहा है, दैट मींस दे आर डिवाइडिंग इट. वी आर डिवाइडिंग इट. आप मुझसे आप पूछ रहे हो कि डिवीजन करना है. जी रेहान, अनम्यूट कीजिए. विच क्वेश्चन डिड यू सॉल्व? लिख रहा हूँ बेटा. मुझे क्या पता आप किसका आंसर लिख रहे हैं? आप तो 26 डिवाइडेड बाय 3 लिख रहे हैं. किस में से किसका आंसर लिख रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का क्वेश्चन क्या था? मतलब क्या क्वेश्चन आया जब आपने सॉल्यूशन की? तो डिवाइडेड बाय 3 48. 7 की टेबल में 48 आता है? नो, 42 आता है. तो आपने 7 6 42 लिया. तो आपका क्वेश्चन क्या बना और रिमाइंडर में क्या आया? व्हाट वाज द रिमाइंडर? 6. अच्छा, ओके. सो आपका रिमाइंडर 6 आया और क्वेश्चन क्या आया? बेटा आप क्या कह रहे हो? 6 4 6 4 6 4 6 4. बेटा मुझे ये बताइए, आपने 7, मेरी बात सुनिए, देखिए स्क्रीन देखे मेरी. आपने 7 को, यू टुक 7 6 48, राइट? रेहान ओके. आपने बेटे 7 की टेबल पढ़ी, 7 की, बिकॉज देर इज नो 48 इन 7 टाइम्स टेबल, राइट? तो हम छोटा नंबर लेते हैं. दैट वॉज 7 6 48. वी रोट 7 वॉज रिटन ओवर हियर. वी रोट 6 इन द क्वेश्चन एंड वी रोट 42 अंडर 48, राइट? तो हमने सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 6. So your quotient and your remainder both came 6, right? You wanted to say this, right? Thank you. Okay, who else did, have done this? What about Talbiha, Zaina, Walishba, Ayan Abbas, Malahim? मैंने सारे थोड़ी सॉल्व करने बोले थे, एक एक सॉल्व करने बोला था. जी मलाहिम, अनम्यूट योर सेल्फ. मलाहिम, अनम्यूट योर सेल्फ. ये कर दिया. कौन सा सॉल्व किया बेटे? 2 डिवाइडेड बाय 7. व्हाट्स द आंसर? व्हाट्स द क्वेश्चन एंड व्हाट्स द रिमाइंडर? Answer is 3 and remainder is 1. Okay, very good. Very good, excellent.
Okay. Who else? Who else? Ayan Ashraf, what are you doing? Solve क्यों नहीं हो रहा अभी तक question answer? Solve क्यों नहीं हो रहा question? बेटे एलिजिबल स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ये सॉल्व करके अभी आंसर बताना है. जी जैनब अनम्यूट कीजिए. ओके हसन, वेरी गुड, यू हैव डन ऑल. फाइव की टेबल में जो नहीं आता उस तो हम व्हिच क्वेश्चन डिड यू सॉल्व? दिस वन, दिस क्वेश्चन. यस, 5 की टेबल में 24 नहीं आता तो हम छोटा नंबर लेंगे. ओके, सो व्हिच नंबर डिड यू टुक फ्रॉम द टेबल ऑफ 5? 20. ओके, वेरी गुड. देन एंड आंसर इज 4. एंड व्हाट अबाउट द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 4 एंड द क्वोशेंट इज आल्सो 4. डिविडेंड इज 4. No, the dividend जो है ना, dividend तो 24 है और divisor 5 है, ठीक है. अब हमें find out करना होता है quotient और remainder. तो हमने जब 5 को, ठीक है, 5 divided by 5, 4s are 20, right? Because 5, 5 से 25 हो जाएगा, वो तो बड़ा number हो जाएगा. We are supposed to take the small number, right? तो हमने यहाँ पे, जब आपने divide, इसको यहाँ पे 5, 4s are, 4 आपका quotient हो गया, that means the answer. और जब आपने 24 को minus 20 किया तो आपका remainder भी क्या बचा? 4. तो आपका quotient और remainder क्या आ गया? 4. ठीक है, very good Zainab. Yes Alishba, Ayan Abbas, कौन सा question solve किया आप दोनों ने? जी Ayan Abbas, unmute yourself. बेटा रफ कॉपी में करना है, कोई एक क्वेश्चन रफ कॉपी में सॉल्व करके क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है. आप लोग अभी तक यही पूछ रहे हैं कि ये डिवीजन के सवाल है या इसको रफ कॉपी में करना है. आई टोल्ड यू बिफोर दैट कोई एक कॉपी रफ कॉपी लीजिए, रफ कॉपी में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. दिस जस्ट वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस. जी तलबीहा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू हैव सॉल्व. तलबीहा अनम्यूट कीजिए बेटे. अनम्यूट करो बेटा. अनम्यूट कीजिए तलबीहा. टीचर आपकी आवाज बहुत अटक अटक कर आ रही है. बेटा पूरी क्लास होने के बाद अब आवाज अटक अटक कर आ रही है जब मैं कोई सवाल करूं तो. आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया? रफ कॉपी में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना था बेटे. टीचर मैं कर. जी हसन अनम्यूट कीजिए. मिस माय सिस्टर क्लास, कैन आई लीव? या श्योर, आई एम जस्ट अबाउट टू एंड द क्लास. या श्योर यू कैन गो. लव फर्स्ट, टेक केयर. ओके, सो इट्स this is it for today and on Wednesday you people are going to have a numeracy quiz in which you will have 4 things that are addition, subtraction, multiplication and division. These 4 operations, the quiz will be based on these 4 operations. Theek hai, prepare yourself and from tomorrow your classes will start from 8:15. Don't forget that.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।